विद्यार्थी परिषद द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक गौरव अत्री ने कहा कि क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी को प्रदेश विश्वविद्यालय बनाने के लिए गठित कमेटी अपनी रिपोर्ट जल्द प्रदेश सरकार को सौंपे और मंडी में बनाने जा रहे राज्य विश्वविद्यालय को धरातल पर उतारा जाए। इसके लिए विद्यार्थी परिषद छात्रों को लामबंद करते हुए 8 दिसंबर को मंडी में 10,000 छात्रों की विशाल छात्र हुंकार रैली करेगी। विश्वविद्यालय की स्थायी परिसर हेतु भूमि का चयन किया जाए और विश्वविद्यालय के लिए शिक्षकों एवं गैर शिक्षकों की स्थायी नियुक्तियां की जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के चल रहे भवन निर्माण कार्य में तेजी भी लाई जाए। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो है प्रेस वार्ता का आरंभ किया गया था। इसमें विद्यार्थी परिषद ने अपनी आगामी जो कार्य रहेंगे उसके लिए बताया गया। इस प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार विद्यार्थी परिषद प्रदेश सरकार को बता रही है कि जिस प्रकार उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है कि दो जो कोर्सेज हैं वो नीचे 2 किलोमीटर नीचे, 2 बीच में, 2 और ऊपर लगते हैं, उस प्रकार का जो है स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं होगा। कमेटी का गठन तो प्रदेश सरकार द्वारा जो है कर दिया गया, परंतु अभी तक उसमें जो है उसकी कोई बैठक नहीं रखी गई थी और उसके ऊपर इस स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए जो है कोई भी कार्य शुरू नहीं किया गया है। तो इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने अपने आगामी कार्य जो हैं समक्ष रखे आपके, वो कुछ इस प्रकार से हैं। 22 नवंबर प्रेस वार्ता जो आज संपन्न हुई, 24 नवंबर सभी महाविद्यालयों में प्राचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। 26 नवंबर को हस्ताक्षर अभियान पूरे जिले के हर एक महाविद्यालय में किया जाएगा। 29 नवंबर सभी महाविद्यालयों में प्रदेश सरकार के खिलाफ अगर उन्होंने कार्य नहीं किया गया ढंग से और स्टेट यूनिवर्सिटी का जो है एक जो बैठक है वो नहीं की गई तो जो है सभी महाविद्यालयों में जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 दिसंबर को कमेटी के सदस्यों और विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। 2 से 3 दिसंबर तक 24 घंटे की विद्यार्थी परिषद हर एक महाविद्यालय में जो है सांकेतिक भूख हड़ताल की करेगी। 6 दिसंबर सभी महाविद्यालयों में एक रैली की जाएगी और 8 दिसंबर को छात्र हुंकार रैली, जिसमें पूरे जिले से जो है हमारे 10,000 विद्यार्थी इस छात्र हुंकार रैली में जो है भाग लेंगे। और हम प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि हमारी यह डिमांड जो प्रदेश सरकार की यह जो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में जो है जल्द से जल्द क्लासेस लग जाएंगी, तो उस पर जो है जल्दी से जल्दी अमल किया जाए। के चैनल के लिए मंडी से शिवानी की रिपोर्ट।